लोगों का नहीं कर सकते हो, ये क्या बात हुई यार। स्वागत है आपका मेरे साथ एक नई सी जर्नी में, जो कि जर्नी होने वाली है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मऊ रेलवे स्टेशन तक, जिसकी टोटल डिस्टेंस है 797 किलोमीटर, अप्रोक्स मान लीजिए आप 800 किलोमीटर। और जो ट्रेन का नंबर है वो 22540 मऊ सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो वीक में आनंद विहार से दो बार चलती है, थर्सडे को एक सैटरडे को। यहाँ पे इसका ट्रेन का टाइम जो खुलने का है वो 4:45 पर है, और जो आपको मऊ से पहले एक हौड़िहार आता है, हौड़िहार उतारे के आपको 5:08 AM पर, और मऊ उतारती है आपको 6:08 AM पर, और इसके 6 होल्ट हैं। और टोटल आपको जो जर्नी देखने को मिलेगी आनंद विहार से हौड़िहार में 797 किलोमीटर होगी। और जो ट्रेन की खासियत है, इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर है। तो दिखाते हैं, चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या होता है जर्नी में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी है आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं आनंद विहार टर्मिनल, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे मेरी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, आनंद विहार मऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। देख लीजिए आप, तो मेरे पीछे एक लोको आप देख सकते हैं, लोगों के पीछे तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप अलाउ नहीं है लोगों की शूटिंग करनी। मैंने कहा कि मैं और भी यूट्यूबर्स तो बनाते हैं, बट आप क्यों नहीं करने दे रहे हो, तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते हो, आप शूट नहीं कर सकते हो लोगों का, आप ट्रेन का कर लीजिए पर लोगों का नहीं कर सकते हो। ये क्या बात हुई यार, लगी खैर कोई नहीं, बड़े बड़े स्टेशन पर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जस्ट शाह ने देखी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी है जस्ट मऊ सुपर फास्ट के सामने। प्लेटफॉर्म 6 पे ट्रेन के वॉशरूम की कंडीशन देख लीजिए, चलो पानी तो आ रहा है, सफाई नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं आप काफी गंदा हुआ पड़ा है सब। तो आप सोच रहे होंगे मैं एसी के कोच में क्या कर रहा हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ कि जो मैं सीट बुक थी वो स्लीपर पे थी, S7768 वहाँ गया मैं, तो एक लोग का और कन्फर्म हो गया वहाँ पे, तो बाद में PNR नंबर डालने में पता चला कि जो मेरी सीट है वो ट्रांसफर कर दी गई एसी में, तो स्लीपर के पैसे से एसी के मजे और क्या चाहिए। खैर देख लीजिए आप एसी का बाथरूम दिखाता हूँ, वॉशरूम देख लीजिए एसी का, क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, अभी मैं स्लीपर का बाथरूम दिखा रहा था, वैसी सफाई वही सब, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा एसी का है वैसे ही स्लीपर का भी मिल जाएगा।
कितना हो गया रेलवे की चाय और ट्रेन की जर्नी। जर्नी स्टार्ट हो चुकी है गरम गरम चाय के साथ। कानपुर तक रहती है, कानपुर के बाद आपको नहीं मिल रहा है, तो देख लीजिए ऐसे मिलते हैं यहाँ पे। भाई था मैंने उससे बात करा कि क्या सिस्टम है, तो ये बताया उसने कि यहाँ से सब सप्लाई करते हैं, यहाँ से बोतल वगैरह पानी की। आपको खाना चाहिए तो बात करना पड़ेगा। तो भाई अभी गया है पानी लेके, अभी देख लीजिए मजा आ रहा है जर्नी में काफी। तो 426 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम इस ट्रेन के सेकंड होल्ट पर आ चुके हैं, जो कानपुर आपको मालूम होगा लैब यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। बाकी यहाँ पे सेकंड होल्ट है, इसका दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए कानपुर सेकंड होल्ट, इसका होल्ट यहाँ पे 5 मिनट के लिए होगा सिर्फ। चालीस ये देख लीजिए 40 रुपए में मिला है ये चार पराठे और सब्जी। बाकी खाने के बाद पता चलेगा कैसा टेस्ट है इसका। वैसे ठंडा ही है, अब क्या करें, मजबूरी में लेना पड़ता है।
देखते हैं खाने के बाद बताते हैं आपको क्या है खाना। खाने में तो सही लग रहा है 40 रुपए के हिसाब से। ये पिकल है, चार पराठे हैं, एक सब्जी है छोले आलू की। बाकी यहाँ से ट्रेन चल चुकी है पर यहाँ पे गेट पे खड़े हो गए। मज़ा आ रहा है खाने में, 40 रुपए में सही ही है। लखनऊ आ चुके हैं, पूरे एक घंटे लेट, 11:10 का टाइमिंग था और ये पहुँचाइए 12:10 पे। दिखा देते हैं लखनऊ में आपको। और एक नमकीन का पैकेट दे देना कोई। और एक नमकीन का पैकेट दे दो कोई, नवरत्न दे दो, ये नवरत्न कितना हुआ। सामने है धानापुर आनंद विहार लखनऊ, देख लीजिए लखनऊ का स्टेशन अंदर से। रात को कंटेंट ला रहा हूँ आपके लिए, और क्या चाहिए। तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी है। और अगर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए, जिससे कि वीडियो की एंगेजमेंट भी बढ़ती है। फिलहाल ये लिया है एक स्प्राइट और एक लेस, लखनऊ रेलवे स्टेशन से पड़ा है, 70 रुपये का पड़ा है, वही 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, बट कोई नहीं, रेलवे स्टेशन पर देना तो पड़ता ही है सबको। बाकी मिलते हैं आप सुबह, सो जाता हूँ मैं, सोया नहीं जब से। जाफराबाद जंक्शन, वैसे टेक्निकल होल्ड है, रिवर्सल चल रहा है, लोगों रिवर्सल कर दो। देख लीजिए पीछे ट्रेन अपने 6th होल्ट पर, काफ़ी लेट, एक घंटे लेट होने के बाद 6th होल्ट पे यहाँ पे आई है जौनपुर रेलवे स्टेशन, और एक घंटे लेट है। तो इसके बाद ओडिहार स्टेशन है जहाँ पे मुझे उतरना है, 7th होल्ट है इसका, देखते हैं कब तक पहुँचाती है। वैसे एक घंटे लेट है, देख लीजिए आप। देख लीजिए खड़ी है प्लेटफॉर्म पे। बाकी है ओडिहार जंक्शन का रेलवे स्टेशन। तो मैं आ चुका हूँ ओडिहार जंक्शन, तो लास्ट स्टॉप इसका यही उतरना था, और एंड करते हैं जर्नी को यहीं पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।